माशाल्लाह, ये है हमारे पहले हाजी और ये है दूसरे हाजी साहब जो इस साल हज करके आए हैं। ये खुश नसीब थे इस साल। ये देखें, सब्जी मंडी, सब्जी लोकल मार्केट है इधर, जहाँ ये देखें हर चीज मिलती है। अच्छा, ये हमारा मजबूत, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप मेरी YouTube फैमिली। चले जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है कि हज अभी भी गुजरा है, तो इसलिए हमारे कुछ दोस्त हज करने गए हुए थे, तो आज हम जा रहे हैं उनसे मिलने, और हम उनसे मिलेंगे भी और आपको भी उनसे बुलवाएंगे कि हमारे दोस्त कौन से हैं इंशाल्लाह। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिल सके। और उसके बाद हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जाएंगे घर की, तो लोग को एंड तक लाजमी देखना है आपने। माशाल्लाह, ये है हमारे पहले हाजी और ये है दूसरे हाजी साहब जो इस साल हज करके आए हैं। ये खुश नसीब थे इस साल, अल्लाह ताला इनकी सारी जायज बरातें पूरी करे। और ये हमारे आते भैया, ये देखो भाई, हमारे इधर से जा रहे हैं जन्ना से खूबर जा रहे हैं, तो खूबर जा रहे हैं, तो हमारी दुआएं इनके साथ है कि खैर जैसे ये पहुंचे उधर और हमें भी बुलाए इंशाल्लाह। लो जी, अभी हम रेल भाई से पूछने लगे हैं कि हज के बारे में इनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो अभी रेल भाई से पूछते हैं। ये हमारे रेल भाई हैं जी। रेल भाई, आप बताएं अपने हज के बारे में हमें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। हज सर बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग फ्रॉम 7 इलाज गए हम लोग, मैंने पहले उमरा किया, उमरा के बाद मीना गए, मीना में अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, मतलब सोफ़ा कम बेड था, खाने के लिहाज से ठीक था, अब बातें अच्छी तरह दिन इधर चलते रहे वहाँ। 8 जिलज आपने मीना में गुजारना होता है, 9 जिलज को आपको सुबह फजर के बाद अरफात जाना होता है, जैसे कि आप लोग बताते हैं। अरफात भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अल्लाह ने मौका दिया जब रहमत तक है, दुआएँ शुआ मांगी सब अल्लाह ताला कबूल करे। फिर हम रात मुजलफा गुजारा, तो मुजलफा आके अंदाजा हुआ कि इंसान की अपनी क्या हैसियत है, तमाम जितने लोग हैं मतलब कहाँ और फलासमान। उसके बाद 10 जिलज के बाद आप सब छोड़ते हैं मुजलफा से, सीधा आप जाते हैं जमारात करने। जमारात की जमारात करके थोड़ा सा बदनज़मी ये हुई कि बसेस और ट्रेन ओपन ही थी, तो हम लोग हरम के पैदल, बहुत गर्मी थी काफ़ी उस वक्त, हजाज के बाद भी जो कि बड़ा इस साल बैड इंसिडेंट, बाकी इसके अलावा अलहमदा ठीक ठाक था। और खाना कबा जाके फिर टॉप ज़्यादा किया, अलहमदा कम्प्लीट हो गया। बाकी हज इट्सल्फ एक अल्लाह का तला ने फर्ज शुक्र रखा हुआ है, जवानी में कर लेना चाहिए। जवानी वाला एक्सलेंट है कि आपके जब भी बूढ़े माँ बाप हज करने हैं तो आपका एक जवान बंदा उस ग्रुप में लाजमी होना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं है। माँ बाप को आप गर्मी में ना कौन सा हज करें, सर्दी में हज करें, अगर गर्मियों का हज करें तो माँ बाप के साथ उसी ग्रुप में एक जवान बंदा लाजमी होना चाहिए। ये मेरा एक लेसनेंट है, ठीक है। बाकी लगता है हमारा हज कबूल करें, दुआएँ करें, और अल्लाह ताला अब तो हज तो कर लिया, उस जो नबी पाक की सुन्नत था तो चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये देखो जी, समोसे हम खाने आए हैं भाई, हम हाजियों के घर आए हुए हैं, तो आपको पता है हाजियों घर से कुछ तो खाने को मिलेगा ना। जबरदस्त। ये देखिए जी, पालक, ये हम आए हुए हैं लोकल मार्केट में सब्जी लेने के लिए। ये देखें, सब्जी मंडी, सब्जी लोकल मार्केट है इधर, जहाँ ये देखें हर चीज़ मिलती है, आलू, प्याज, बैंगन, शिमला मिर्च, हर चीज़ इधर से मिलती है माशाल्लाह। ये मार्केट है, अभी आपको मैं इसका थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ। ये देखें जी, अभी हम आए हुए हैं अजीज़िया। ये मार्केट के बारे में एक आपने कमेंट करके बताना है जो इस एरिया में रहते हैं, ये कौन सी है, बट हम भी बताते हैं थोड़ी सी लोकेशन। वो सामने जद्दा नसीम हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, ये सामने पार्क है, और ये आपने बताना है कि भाई हम किधर आए हैं। गए मार्केट में दिखा दी है। अच्छा, इस साइड पे मैं बताता हूँ, इस साइड पर सूक मनारा है। माशाल्लाह जी, हमने सब्जी ले ली है। माशाल्लाह जी, अभी हम आए हैं सद्दा अरबी खाने। आपको बताया कि कुछ लोग मेरे पिछले अरबी खाने के आ रहे हैं, तो मैं कहा चले
आज फैमिली के साथ हम अरबी खाने टेस्ट करेंगे। ये है पीछे सदा मंदी, काफ़ी मशहूर है इधर। इंशाल्लाह इसका व्लॉग मैंने पहले भी बनाया हुआ, बट अभी हमने कहा चलो एक बार फिर सही आज देखते हैं हम क्या खाते हैं। चलो, और ये है सदा मुताम अल सदा मंदी। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और आपको हम ले कर जाएंगे फैमिली वाले सेक्शन में। ईस्ट साइड पर जाएँ तो अलसफ़ा का मेन इशारा था है, एक सिग्नल ये सामने नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं ईस्ट साइड पर लेके जाता हूँ, ये है तहलिया रोड की आगे सामने बिल्कुल कुबरी, मतलब राइट साइड जाएंगे ना आप कार्निश की तरफ, लेफ्ट साइड जाएंगे हर मैन रोड है। उम्मीद है लोकेशन की आपको समझ आ गई होगी हम किधर है। इंशाल्लाह हम ले जाता हूँ अंदर। वाह चला, ये देखे जी सदा मंदी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे रेस्टोरेंट, आपको विज़िट करवाता हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत इनका रेस्टोरेंट है, पूरा इसका व्यू सदा ताम का। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको विज़िट करवाता हूँ। ये मैं इसके अंदर आ गया, इधर कैश काउंटर है। ये है सदा की खूबसूरत छत, ये दूसरी फ्लोर है, हम जा रहे हैं ऊपर इंशाल्लाह। ये सीढ़ी, ये देखना सामने, इन्होंने अपनी सकाफत के मुताबिक चीज़ें बनाई हुई हैं। कहीं ये सिटिंग एरिया है मर्द हज़रात के लिए, और ये बिल्कुल सामने जाना फैमिली के लिए है। इंशाल्लाह भी हम जा रहे हैं अंदर। भाई आपका क्या नाम है? अब्दुल समद साहब को हमने दिया है ऑर्डर, तो इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो देखते हैं आज क्या है हमारे लिए। इससे बचना था कैबिन बने होते हैं, कैबिन का मैं विज़िट करता हूँ। ये देखें, ये ऐसा कैबिन होता है, बंद फैमिली के लिए आप आ सकते हैं। और ये पर्दा लग जाता है ऐसे, जैसे कि ये हाजरा है इधर, ठीक है, और ये वो हाजिया है। चलो ये अभी हम अंदर आते हैं। अच्छा, ये हमारा मजबूत, माशाल्लाह जी सदा का मजबूत है। तो इसके साथ हमने थोड़े से वाइट चावल मंगवाए हैं, ये भी मिक्स करके खाने का मज़ा अपना ही है। और साथ ये आपको पता चीज़ें मिलती हैं माशाल्लाह। ये देखें अभी हम आपको थोड़ा सा अच्छा सा व्यू दिखाते हैं इसका। माशाल्लाह यार इसका ना बड़ा ही मज़ा आता है सद्दा का ये खाने का ना। ये टमाटर की चटनी ना हो तो यार इस मजबूत के साथ मज़ा नहीं आता। और ये देखें इसके साथ ब्रोन प्याज हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये देखें जी कुनाफा हमारा आया है, ये देखें इसके माशाल्लाह कदर। इसकी रेसिपी तो नहीं पता बट मज़ेदार होता है, इसके अंदर बटर होती है। अच्छा ये देखें, ये शीरा है जो कि इसके ऊपर हमने नहीं डाला था। अभी ये देखेंगे यार ज़बरदस्त यार, ये शीरा ऊपर डालने के बाद यार इसका ना मज़ा डबल हो जाता है। बट ये ऑप्शन होती है, कुछ लोग जो कम मीठा खाते हैं उन वो ना खाएं, बट जो ज़्यादा शौकीन है मीठा खाने के उनके लिए यार बड़ा ज़बरदस्त है। माशाल्लाह जी अभी हमने मंदी तो खा ली है, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। अभी इस व्लॉग में हमें देख जा रहे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जरूर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।